एक सीन हो गया हैजॉग को देखने आया था मैं कल से, तो बिल्कुल सही था। जब हमने इसको लिया था ना तभी ये बीमार था, और अभी देखो हमने तो बहुत इसके साथ अच्छा करा, कोशिश करी बचाने की, लेकिन जब लिया था ना तब से ये बीमार था और अब ये मर चुका है। हालांकि कल रात में देखा था, कल तक तो ठीक था। क्या करें इसको, क्या करें हैजॉग को? हाँ का मर गया, अब नहीं ठीक हो सकता। आ जाओ दफना देते, आओ उड़ जाओ, मर गया। दूर ही रहना यार, मैं इसको दफना रहा हूँ। एलेक्स नहीं करो, बाय बाय बोल दो आखिरी बार, सोनिक को बोल दो बाय बाय। नहीं हटो, ये जो सारा सीन हुआ है ना, जब हम लोग ने पिछली वीडियो अपनी एंड करी थी ना, उसके फौरन बाद ये सीन हुआ है। हम लोग पिछली वीडियो में हैजॉग का साथी लेने गए थे, और जब आगे देखा तो हमारा हैजॉग ही मरा हुआ है। खैर हम लोगों ने जितना ख्याल हो सका ना हमने किया, अब सांसें अल्लाह के हाथ में होती है, अब ये मर गया। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ना इसका पेयर लेकर आए। बहुत जल्दी आज़ाद होने वाले हो, फिक्र नहीं करो, आपको ऐसी जगह पे छोड़ूंगा ना जहाँ आपको सांप भी मिलेंगे, आपको नए नए नेवले भी मिलेंगे, खुश रहोगे आप। सही है, अभी बस थोड़े ना इंसान के बच्चे बन जाओ आप। तो इस मुर्गी को हम लोग लाए थे पिछली वीडियो में एम्प्रेस मार्केट से, तो उसको अंडों पे बिठा दिया है, और ये ज़्यादा अंडों पे बैठ सकती है, अभी भी और अंडे आ सकते हैं इसके नीचे, लेकिन हमने इतने ज़्यादा नहीं रखे। सही है, अब इसके बच्चे निकलेंगे मेरे ख्याल से 8 दिसंबर को, और जो हमारी ये वाली मुर्गी है ना, इसके निकलेंगे अंडे, इसके अंडों में से बच्चे निकलेंगे 6 दिसंबर को। अभी तुम लोगों को इसके अंदर मछलियाँ नहीं नज़र आ रही होंगी ना, मैं बताता हूँ मछलियाँ गई कहाँ पर हैं। बात बताओ फिशेस कैसे मरी है सारी? कबीर कॉमेडी नहीं करो, उठ के बताओ कैसे मरी फिशेस? मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे मरी है फिशेस। ये बड़ा वो बन रहा है ना, मैं था नहीं ना, किसी बच्चे ने ना ये खोल के सारा मछलियों का पानी निकाल दिया, और सारी मछलियाँ यहाँ पे तड़प रही थी, डक्स को बुला के ना डक्स को खिला दिया, बहुत प्यार आ रहा है ना डक्स पे, अभी वॉर्म्स निकाल रहे हैं उनके लिए। आँखें नहीं दिखाओ, तोड़ दिया वॉर्म गधा। वैसे बच्चे मुझे जहर लगते हैं, और तुम अभी बहुत जहर लग रहे हो। अबे यार ये देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसे तो डांट का। डक बड़ा प्यार आ रहा है डक पे। आ गई डक, पेट भरा हुआ है उनका कबीर, आपने बहुत सारी मछलियां खिलाई हैं, उनका बहुत पेट भरा हुआ है, वॉर्म खिलाने की जरूरत नहीं है। हमारे तोतों के पास में एक लवबर्ड आया हुआ है सही है, और वो केज के अंदर घुसा हुआ है, दाना खा रहा है, तो मैं ना मोबाइल रख रहा हूँ सही है, इसके चक्कर में ना कहीं वो उड़ ना जाए, पकड़ने जा रहा हूँ, सिर्फ केज का दरवाजा बंद करने तोता आ जाएगा। अभी जो है ना ये तोता मैंने पकड़ा यहाँ से, ये इसके अंदर आया हुआ था सही है, इसके अंदर ना पीनट पड़े थे वो खा रहा था, मैं बंद करके इसको अभी यहाँ से पकड़ा है, अभी इसको फौरन ना अंदर छोड़ कर आते हैं, ये आई हुई थी शिकार करने। आओ बेला, ये इसने ऐसा काटा हुआ है ना इस ग्लव्स पे, अच्छा हुआ मैं हाथ से नहीं पकड़ा, वरना बड़ा गंदा काटता। अभी जब तक इसके साथ ही छोड़ दूँ। जाओ बेटा जाओ जाओ, ये रहा अभी इसका दूसरा केज में रखेंगे, अभी फौरन इसमें मैंने छोड़ा है, बहुत प्यारा है यार ये, अभी चील कबों का शिकार बना हुआ था, इससे पहले मैंने पकड़ लिए थे। आ
और लेकिन कोई ना फेक कंटेंट नहीं है कि मैंने खुद ही छोड़ के ना पकड़ा है हमारे पास, नहीं तो ये वाले लव बर्ड है। अगर मुझे फेक बनाना ही होता ना पूरी 8 मिनट की वीडियो मैं इसी पे निकाल देता। यहाँ पे पहले भी और भी तोते बाहर आ चुके हैं, तो ये ना इतनी आसानी से केज के अंदर बैठा था, बस मुझे दरवाजा बंद करना था और ये आराम से आ गया। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था मैं एक चीज़ लाया हूँ आज़ाद करने के लिए, तो अभी जो है ना हम लोग उसको आज़ाद कर देते हैं। काफ़ी देर से बेचारी कैद हैं तो उनको आज़ादी देते हैं। वो तो अंदर ही भाग गई, बस ये लोग अपना खुद ही ढूंढ लेंगे। वो देखो यार, इधर रह जाती ज्यादा अच्छा होता। सारी गिलहरी जो है ना वो इस पेड़ पर आ चुकी हैं। टोटल जो है ना मैंने 4 आजाद करी हैं, 2 ना वीडियो बनाने से पहले ना भाग चुकी थी और सारी इस पर आ गई हैं। अभी दिख नहीं रही हैं, इधर ही आगे शोर कर रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना इनकी आवाज़ें। यहाँ से पहले गिलहरियाँ होती थी वो भी ख़त्म हो गई थी, अब यहाँ पे फिर इनकी ब्रीडिंग वगैरह होगी। इधर आ गई है ना, इधर बहुत अच्छा है, उधर हमारी गायें होती थी। वो देखो यार, ये देखो उसका घोंसला देखो कितना छोटा सा है। अरे वाह यार, ये देख रहे हो इसकी हरकतें, देख रहे हो। ये लो आप चलाओ से, ये लो चलाओ आप, ये इसमें इसको ना चक्कर खिलाते रहो। ये देखो कबीर, आप बैठो, आप जाओ, बैठना नहीं आपको मारेगा, बैठने नहीं देता कबीर को। ये देख रहे हो उसकी हरकतें, देख रहे हो। अभी जो है ना पूरी रोड बन चुकी है, अभी भी गर्म हो रही है, अभी चलते हैं अंदर। बहुत गंदे लग रहे हो। नहीं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, सारी फिशेस मार दी। किसने बनाया ये? दादा ने बनाया है। हाँ यार बहुत गंदे लग रहे हो, जाओ पूछ लो दादा से, गंदे लग रहे हो, बहुत गंदे लग रहे हो। मम्मा सही बताया आपने बनाया ये? हमारे कुछ ना 94 के सब्सक्राइबर हैं और दिसंबर शुरू होने वाला है, और मेरा गोल यही था कि इस साल के एंड तक ना 100 के करने, यानी साल के एंड तक हमारे 100 के होंगे। यानी अगर नहीं हुए ना बेटा, हिम्मत नहीं हारते, नहीं मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं हिम्मत नहीं हारी ना, 5 साल से कर रहा हूँ। लोग आते हैं, 2-2 वीडियो डालते हैं 100 के, पता नहीं कितने लोगों को, मत देखो अपनी मेहनत, तो कर तो बस। नहीं मुझे एंड तक चाहिए, जो मुझे मैं बोल दिया ना मुझे चाहिए तो चाहिए। आपको पता है मैं कितना जिद का पक्का हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ मांगता हूँ ना हमेशा अल्लाह ताला ना पूरी करते हैं। अब देखो साल के एंड तक पता चलेगा कि होंगे पूरे या नहीं होंगे, लेकिन देखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं ना बाहर गया था बेकरी कुछ खाने का लेने के लिए, तो मुझे ना ये रोड पे बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ मिला और ये बहुत बुरी कंडीशन में, यहाँ से गाड़ी मार के गई है, पता नहीं क्या हुआ। मैं सर्दी में बेचारा पड़ा हुआ था, तो मैं जो भी हो सका ना इसका ट्रीटमेंट वगैरह किया। अभी मैं सुबह होने का वेट कर रहा हूँ, उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके आऊँगा क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, thank you.
यार तो अभी तुम लोगों ने देखा था जब ये आया था ना तो ये हिल भी नहीं रहा था, अभी एक घंटा हो चुका है ये उठा है चला है फिरा है, पता नहीं क्या हुआ होगा इस बेचारे के साथ यार, इतनी नन्ही सी जान है। बस मैंने उसको ना हल्दी वाला दूध पिलाया अभी, उसने थोड़ा सा पिया, मुझे ना जो कुछ समझ आ रहा है ना मैं कर रहा हूँ, फिर ना सुबह डॉक्टर को ही ना इसको दिखाएंगे। हम लोग इस चैनल पे नए हो ना, तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो हम लोग पहले भी ना ऐसी ऐसी चीज़ों को बचा चुके हैं ना, जहर खाए हुए कुत्ते को बचाया था जो मर रहा था ना, बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था, हमने उसको बचाया था, हमने क्या कुछ नहीं बचाया, बस मैं यही दुआ है यार ये बच जाए। अभी बिल्ली का बच्चा जो है ना वो मर चुका है मेरे हाथों में ही ना, इसने दम तोड़ा है बेचारे ने, पीनस को ना बाहर वाले लॉन में हम लोग दफना देते हैं। आज की वीडियो में जो है ना कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मतलब हमारा हेजॉग मर गया, फिर उसके बाद ये बिल्ली का बच्चा नहीं बच पाया, कुछ भी सही नहीं हो रहा।